अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है। अच्छा तो सुनाएं, और बाकी सब ठीक ठाक? तो आज का कुछ प्लान इस तरह से, ये हमारे बहुत ही प्यारे दिलनवाज भाई की मेहरान, अभी इसे लेके जाते हैं इस्लामाबाद, इसे अपने नाम पे करवानी है, दिलनवाज अपने नाम पे करवानी है, वो करवाते हैं, इसका खर्चा भी बता देता हूँ। इसके कुछ बाकी तो चीज़ें कम्प्लीट है, इसकी नाम पे हुई हुई है, पता नहीं कोई कह रहा है यार उधर जाके वेरिफिकेशन करवानी है गाड़ी की, चेक करेंगे गाड़ी वगैरह, तो बस उसके बाद भेज देंगे। तो अभी निकलते हैं इधर से, दिलनवाज के साथ अभी आए हूँ सप्लाई, अभी दिलनवाज गया हुआ घर की तरफ, तो रास्ते में से सरवंत को भी उठाते हैं। आज बस हमारा जो पुराना जो टूर हो जाएगा ना, वो बहुत मजे का यार। ये हमारी जो गाड़ी है ना, ये मेहरान यार, ये हमारी शहजादी गाड़ी है यार, कसम से। ए दिलनवाज को मैंने कहा मुझे दे दो, मैं पैसे दे दो, मुझे दे दो। दिलनवाज ने कहा नहीं, मैं देता नहीं हूँ, बाकी बेचता नहीं हूँ। इसने एक दो और भी रखी हुई मगर ये नहीं बेचता। तो अभी जाते हैं, आज पुराने दोस्त मिल गए, दिलनवाज मेरा स्कूल फेलो भी है, कॉलेज भी ले आए, नौ प्लेटें भी ले आए। तो अभी निकलते हैं, सरमत को भी उठाते हैं, और हमारा एक और भी पुराना एक दोस्त है अनस, उसे भी लेते हैं, फिर जाते हैं, निकलते हैं इस्लामाबाद की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ बल्कि सॉरी भूल जाते ना दिलनवाज भाई, आज फिर जाना है, फिर है आज फिर मजा आएगा बहुत ज्यादा। तो अभी निकलते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे, इंशाल्लाह फिर आपको बताते हैं आगे का सीन। अभी जी अवेलिया मोटर में से ऊपर हुए, तो शोर बहुत है, गाड़ी में बहुत शोर आ रहा है, और दिलवाज़ शीशे ऊपर भी कर दिए, फिर भी शोर बहुत आ रहा है इसमें। तो अभी जाते हैं मकसूद इंटेलिजेंस से नीचे उतर के सरमन लोगों को उठाते हैं, और फिर जाते हैं इस्लामाबाद की तरफ, बस जा रहे हैं, रास्ते में आए हैं, आपको आगे का सीन बताते हैं। पहुंच गए, अभी हम मुनीर को पिक करेंगे। मुनीर नाम उसका सरमद है, और तो मुनीर बोल रहे थे। एक मुनीर है, दूसरा मसूदा है। मसूदा, और ये हरिपुर का बाईपास, बहुत जबरदस्त बाईपास बनाया है इन लोगों ने, जबरदस्त बाईपास है। मुनीर भाई जल्दी नहीं आना होता आपसे, क्या ड्रामा बनाया हुआ आपने? हाँ चुप, ये चुप कैसा, दूसरा किधर है पूछा? शुक्र है। दूसरा किधर है? ऐसे आप लेने आए हम लोग, इसने नाम बता दिया तेरा भाई, इसने क्या मुनीर को लेने जा रहे हैं हम लोग। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। जरा नहीं बदला शक्ल देख, इस सूर की शक्ल देख भाई, वो तो खंजीर का बच्चा। इस तरह ना बनाओ, इस तरह बनाओ बच्चे, आराम खा खा के। गाड़ी आ गई है, एक्साइज दफ्तर पहुंचे हैं, चले जैसे सामने ऐसे नजर आएगा, ये सामने एक्साइज का दफ्तर है। तो अभी दिलनवाज लोग गए अंदर पता करवाने के लिए, उसके बाद गाड़ी इंस्पेक्शन करेंगे इसकी, और उसके बाद ये रसीद वगैरह दे देंगे। ये अभी इंस्पेक्शन वाली लाइन में खड़े हुए हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी हुई, हम लोग भी खड़े हुए हैं। हाँ ये देखें, दिलनवाज लोग तो आगे ही खड़े हुए हैं, अब जाते हैं पकड़ो। सारे भारत मुझे अकेला बिठा के हो चले गए हैं, एक ये जा रहे हैं, दो उधर खड़े हुए आगे के, वो खड़े हुए हैं, वो सामने ये खड़े हैं, इधर बिठा, इधर आओ। क्या बना, क्या बोल रहे हैं?
यार कह रहे हैं कि पहले आपने फी जमा करवानी है, अच्छा उसके बाद फिजिकली गाड़ी चेक करवानी है, अच्छा तब जाके जो है बस चेसिस नंबर देखेंगे और ओरिजिनल नंबर प्लेट ये दोनों पड़ी बस ठीक है। ये वाली ये साथ इसीलिए लाई, हमें पता था कोई काम होगा। यार 148 दिल खाती है यार। हाँ 148 दिल खाती है ना। बस फीस जमा करवा के रसीद देंगे, चेसिस नंबर चेक करेंगे और उसके बाद इंस्पेक्शन होगी और उसके बाद फिर चेसिस नंबर देख के बस फीस जमा करवा के फारक। इतना लंबा काम नहीं है, लाइनें भी इतनी है। हाँ 3-4 गाड़ियाँ मुझसे आगे हैं, 3-4 गाड़ियाँ पीछे हैं, 1-2 पीछे हैं बस। हाँ जी इंस्पेक्शन हो रही है, देखें आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इस तरह चेक करते हैं गाड़ी, रेडी खड़ी हुई है। गंदे आदमी। इसमें मैं आपको और कुछ भी नहीं बताता, इसकी ये 1200 रुपये फीस है, इसीलिए मुझे नहीं बता। और ये साथ लिखा हुआ फिजिकल इंस्पेक्शन। बस अभी लाइन में खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, अगर हो जाए तो फिर उसके बाद होंडा की 1-2 चीज़ें देखनी है, अगर मिल गई तो ठीक, नहीं तो अभी इंतज़ार हो रहा है जी सरमन भाई का। सरमन भाई इंतज़ार हो रहा है, ख्वारी ब्रेक हो गई इनकी 1-2 बजे तक। ये देखें इस चावल को, देखें कहाँ जा रहा है। अनस पता कर रहा है कितना टाइम है। ओ अनस पता कर कितना टाइम है। हाँ उससे पूछी तू, वो ही पता करेगा। पता करेगा ना, पूछा ना हमारा। ख्वारी हो रही है, ख्वारी गाड़ियों की लाइन लग गई है बहुत ज़्यादा। वो पीछे था काम खराब हो गया, एक शीशा है रास्ते वैसे भी टूट गया, चल निकल। एक शीशा तो तोड़ दिया रास्ते में मैंने, ये देखे। काम हमारा हो गया खत्म, अभी जाते हैं कुछ खाने के लिए, अभी जाते हैं कुछ खाने के लिए, फिर उसके बाद इस पे आके हम लोग सेवर पे ही रुके। हाँ जब इस्लामाबाद आते हैं सेवर भी जाते हैं खाने के। पहुँच जाए इधर। आज आज खाना सरमन भाई की तरफ से है। सरमन भाई खाना आपकी तरफ से है ना। पुराने लवबर्ड्स, पुराने लवबर्ड्स जा रहे हैं जी दिलो जान से। अभी को कुछ प्लान नहीं, अभी खाना छाना खा लिए और अभी देखते हैं, गाड़ी तो उधर ही पार्क की हुई, अभी जाते हैं देखते हैं। ये कह रहे हैं कुछ चीज़ें लेते हैं यहाँ से, कुछ देखते हैं है। दोनों लगे हुए हैं चीज़ें वगैरह। अभी कुछ प्लान डिसाइड हो रहा है लैक्यू पार्क का, तो अभी डिसाइड कर रहे हैं दोनों पार्टियां डिसाइड हो रही हैं कहाँ पे जाएं। एक गंदे को देखे भारत इंसान को। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। गंदे 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 ऐसा कोई रोटी हजम कर रहे ये अभी बगैरत गंदा। सारे भाग गए। कहाँ पर डिसाइड हुआ मुनीर भाई। यार इंशाल्लाह जाते हैं बस लेक्यू के, अभी निकलो यार। देखें अभी लेक्यू पार्क पहुँचे हैं, गाड़ी ये खड़ी हुई पार्किंग में खड़ी कर दी है। इधर है ही कोई नहीं है यार, क्या इधर आए हैं यार फजूल कसम से। ये ब्लॉग हाँ इन लोगों को देखो, कोई काम सीधा हुआ ही नहीं है इन लोगों से है। सरमन भाई पिक्चर यार इधर भी गर्मी है बहुत ज्यादा, इधर बहुत गर्मी है यार। तब आदमी तो बड़ा जबरदस्त मौसम है, इधर बहुत गर्मी है। ए पिक्चर्स ले रहे हैं इन पिक्चर।
क्या ले रहे हैं सरमत भाई? चपल गया। ना कर ना कर ना करो। वो देख गंदा इंसान चपली मेरा उतार दिए चपली। हाँ ये फेंक दी इसने, इसने मैंने कहा अंदर ना फेंकी, अंदर फेंक रहा था। ओ भाई मैं भी हूँ, मेरी पिक्चर लगी। बटन गया, बटन गया। दिलनवास का जो क्लास में हम लोग नाम लेते थे वो क्या नाम था उसका? 3G पर बाद में 4G आया था तो उसका नाम हमने 4G। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये जो सेंटर में से नहीं जा रहा हमारा दिलनवाज भाई, ये जो सेंटर में से जा रहा है इसके साथ है हमारा एक और भाई को। चलो हाँ ये चलता ही ऐसे, इसके तरफ से मसला ये मैन्युफैक्चरिंग हाल थोड़ा सा इसका ऐसा इसकी गई तब ये मसले हैं इसमें इसका। चलो भाई हम आए रावल डैम पे। हाय हाय ठीक है, मजे किए ना? मजे मजे हैं यार, बस आप एंजॉय करो, व्लॉग व्लॉग बनाओ। हाँ भाई जी अभी वापसी हो रही है, टाइम भी 5 होने वाले हैं, वापसी कर रहे हैं और निकल रहे हैं इधर से, गेट से निकलेंगे अभी और अभी सीधा घर जाना है क्योंकि सामान मैंने लेना था दिलनवाज को। मैंने कहा भी है सामान के लिए टाइम बचाना है बचाना है बचाना है, दिलनवाज ने कहा नहीं अब वापसी करते हैं। चलो वापसी करते हैं, अब निकलते हैं, गाड़ी के पास जाते हैं, स्टार्ट करते हैं और बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं। और बोल रहे नवाब का बच्चा बोल रहे जीटी रोड से जाएंगे। अभी वापसी होगी। हां जी अली भाई रास्ता करियो उसमें नाल, मैं तो इस्लामाबाद पे लेके ऊपर ना। चलो चलो रुको जल्दी। पिंडी की ट्रैफिक यार बहुत ही ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक जाम है, आगे तक जाम है, सारी ट्रैफिक जाम हुई है, समझ नहीं आ रही क्या करें। कुछ भी ना करो, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। अच्छा इनकी वजह से ज़्यादा ट्रैफिक जाम है यार, ये कुछ काम कर रहे हैं इधर रात के स्पैर घूमते हुए सदर में। और इन जूतों के लिए दिलवाज भाई ने अपने बेटे के लिए जूते लिए हैं। और पिंडी सदर में घूम रहे हैं और कना मैंने अपने काम का कहा है, मेरा काम तो इसने किया नहीं। मैंने कहा यार सुल्तान टू जाते हैं छोटा मोटा सामान ले लेता हूँ गाड़ी के लिए, इसे कहा नहीं उधर नहीं जाने, जूस पीने के लिए रुके। मेरा रहता है बस इसे दो ही लाइनें आती हैं वाली आवारा बता कौन सा है, बता कौन सा पीना है, बता ना चल जल्दी कर। इसकी वीडियो यार बता ना केला अनार 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 का मजा नहीं आएगा। हाँ मैं पीऊंगा अनार का मजा नहीं आएगा। एक दो अनार ले आओ और एक केले का ले आओ और एक केला सेब का मिक्स।
इस्लामाबाद इंटरचेंज आ गया जी। चलाने नहीं आती यार, चलो चलो चलाने। ओए आगे देख, देखो यार आगे देखो यार, जैसे चलाने वाला नहीं आती है सरवन भाई, तभी मैं पीछे बैठ गया हूँ। ये देख तब मैं पीछे बैठ गया हूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह खैर ही करे, आज कुछ पता नहीं चल रहा। पिछली गाड़ी भी चढ़ेगी चूतिये आदमी। आगे देखो देखो बगैर एक्सीलेटर से छिटके पे हो यार, बगैर उस इशारा जो छिपता पे यार। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी, अपना ख्याल रखे, फिर किसी दिन मुलाकात होती है। चलो जी धन्यवाद भाई, हम दोनों ही रह गए। हाँ जी, आज का प्लान तो आप लोगों ने देख लिया होगा, कैसा रहा ट्रिप हमारा और हमारे दिलनवाज भाई का, बहुत अच्छा ट्रिप हो गया यार। यार इससे मैं क्या बोलूँ यार, मेरा दिल खुश कर दिया इसने हाल में यार, कसम से बहुत दिल खुश कर दिया। इसका प्लान था यार, सरमत को भी लेके जाते हैं, अनस को भी लेके जाते हैं, साथ घूम फिर भी आएंगे, थोड़ा मोटा काम भी हो जाएगा, गाड़ी का काम भी हो जाएगा, तो छोटे मोटे वो मामला जो थे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो यार ऐसे में लव यू यार, कसम से लव यू हो गया तुझे, बहुत ज़्यादा लव यू हो गया तेरे प्लान की वजह से। हम लोग फिर दोबारा से मिले, अनस को मैं तकरीबन ये और मैं दोनों मिल के, वो बीच में सोचिए चला गया था, तो मैं और दिलनवाज हम लोग तकरीबन अनस को मिले हैं 3 से 3.5 साल बाद, और सरमत को तो हम वैसे भी मिलते रहते हैं, उसका मसला नहीं है, मगर मज़ा सरमत के साथ ही आता है, वो शक्ल बहुत फिट लगाता है। तो चलें, आज का प्लान तो हमारा ख़त्म हो गया, क्योंकि हम लोग अभी अब्दाबाद पहुँच आए हैं, उन दोनों को उतार दिए और हमारा प्लान आज ख़त्म हो गया। और लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और 2 मिनट का काम है, इतना टाइम भी नहीं लगता है, बस ऐसा डस्ट करना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया यार, जो देखते हैं मैं कसम से मेरा दिल खुश हो जाता है जो देखते हैं। पूरी वीडियो देखा करें, लाइक और सब्सक्राइब कर लिए, और कमेंट में ज़रूर बताया करें क्या मसला है क्या नहीं है, कुछ बातें वगैरह शेयर करनी चाहिए, इस तरह करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो बता दिया करें। तो अभी जा रहे हैं, सुखराई पहुँचे हैं, अभी जाते हैं दिलनवाज भाई मुझे घर छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं, और उसके बाद फिर अपने घर ये, फिर क्या पता कब मुलाकात हो। मगर अभी अभी ये सीन बन गए कि हमारा ये प्लान बन गए कि दिलनवाज भाई को बता दिए कि नेक्स्ट जो प्लान होगा उसमें ऐसे ही कुछ प्लान डिसाइड करेंगे जिसमें गाड़ी भी ज़रा बड़ी हो। प्लान डिसाइड कर दिया भाई, हम जाना है इंशाल्लाह नेक्स्ट इस संडे मछलियों के शिकार के लिए। हाँ, मछलियों के शिकार के लिए खानपुर ना, खानपुर मछलियों की शिकार के खानपुर या तरबेला डैम। हाँ, इन दोनों में से एक जगह पे जाना है हम लोगों ने, तो प्लान डिसाइड हो गया, क्योंकि रास्ते में प्लान डिसाइड हो रहा था हम लोगों का यार इधर जाना है। तो अभी देखते हैं, नेक्स्ट संडे को देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है, मगर जो भी है होगा आप लोगों को जरूर बताएंगे, और लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और चले दिलनवाज जी अल्लाह हाफिज़ कर दें। अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।